अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्के की रेसिपी। इसके लिए मैंने चिकन की बोटियाँ ले ली थी, बोनलेस चिकन ली है मैंने इसके लिए। और इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है वो पानी में सिरके में जो है वो भिगो कर रखेंगे। इससे हमारी चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर होगी और जूसी बनेगी, वरना तो चिकन टिक्के में मोस्टली यही होता है कि वो जूसी नहीं होता और सूखा सूखा होता है। तो इसलिए इसके लिए हमने ले लिया है 2 चमचे सिरका। नीम गरम पानी में हम इसको थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देंगे। 1 चमचा हम लेंगे इसमें नमक। हम ऑलरेडी इसमें नमक डाल रहे हैं तो मसाले में भी हम देख कर नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें नीम गरम पानी। बस इतना पानी डालें कि इसमें ये अच्छे से डूब जाए। ये इसलिए भी सिरके से वॉश करेंगे क्योंकि अगर हमने सही वॉश नहीं किया और कोई भी खून का ज़र्रा रह गया तो वो भी निकल जाएगा। और दूसरा ये कि ये जब तक भीगेगी तब तक ये वाइट बिल्कुल हो जाएगी और उसके बाद इसमें मसाला बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। जब तक हम इसको भिगो रहे हैं उसके बाद हम आपको इसका आगे का प्रोसीजर बताते हैं। हमारी चिकन बहुत अच्छे से जो है वो भीग चुकी है। अब हम इसमें जो है वो अपने मसाले डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे दही, हमने ले ली है 4 चम्मचों के करीब दही, सही है। और हम इसमें जो मसाले डालेंगे उसमें है लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, चिकन पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, नमक और जर्दे का रंग। ये स्पाइसेस कम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें शान का मसाला भी डालेंगे। शान का हमारे पास चिकन टिक्का मसाला है, वो हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। पहले हम इसमें ये मिला लें, फिर उसके बाद हम 1 चमचा वो भी मिलाकर हम जो है इसमें मैरिनेशन करेंगे। अब हम इसमें 1 चमचे के करीब जो है वो शान का टिक्का मसाला ऐड करेंगे। जी तो हमने 1 चमचा जो है इसमें टिक्का मसाला डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। सॉरी, हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गए थे। हमने 1 चमचा भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। आप भी 1 चमचा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। जी तो हमारी चिकन हो चुकी है बहुत अच्छे से मैरिनेट। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल अपने फ्राइंग पैन में। हमने चूल्हे का जो फ्लेम है वो रखा हुआ है कम, क्योंकि जितने कम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे उतना अच्छा होगा। और क्योंकि हमने आज ज़्यादा टाइम नहीं दिया, अब तो जब भी आप कभी भी बारबेक्यू चिकन टिक्के टाइप की चीज़ें फ्राई करें तो उसको लाजमी ओवर नाइट जो है वो इससे के लिए छोड़ दें मसाला लगा कर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मसाला इसका बचा हुआ है ना, हम हल्का हल्का सा इसके ऊपर डाल देते हैं। हमने तमाम टिक्के जो है वो डाल दिए चिकन के और अब हम इसका ढक्कन करें थोड़ी देर के लिए बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छे से हो चुकी है एक तरफ से। अब हम नेक्स्ट साइड करके अब हम इसको और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको कोयले का धुआं देकर फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। ये तो हमारी चिकन हो चुकी है तैयार, अब हम इसको डिश आउट करके आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो ये है हमारे चिकन टिक्के की फ़ाइनल लुक। आप भी ट्राई करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।